अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन बले को मंदे। देखिए हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड की चार ब्रांचेस हैं, बंबई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली। वो दिल्ली जो कि हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड का हेड ऑफिस है। इन चारों जगहों पर वर्कर्स ने मालिकों के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। अभी बाहर से आते हुए आपने काले झंडे देखे ही होंगे। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। जीएम साहब, मैं आप बता हूँ कि इन चारों जगहों पर यूनियन लीडर्स कौन कौन है। बॉम्बे में पटेल, मद्रास में राव और कैलकाटा में भट्टाचार्य, दिल्ली में माधो सिंह की डेथ के बाद जो कि एक्सीडेंट से हो गई, अब नया लीडर चुना जाएगा। तो गल सवाल यह है कि दूसरी जगहों पर एक्सीडेंट क्यों नहीं हुए? इन एक्सीडेंट से मेरा ताल्लुक? यू आर मिस्टेकन। मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है, पर सवाल यह है कि अब आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? आदमी मैं दूंगा। देखिए, ये जो बंबई का इलाका है, इसमें मिस्टर पटेल अब नहीं रहने चाहिए। वो कहाँ जाएंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन ढूंढने पर भी मिलने नहीं चाहिए। आपकी इजाजत है? इजाजत है। बंबई में अपना आदमी चुन लिया जाएगा। गुड, वेरी गुड। काम अच्छा हो और क्लीन हो तो रिपीट करने की इच्छा होती है, यानी दोहराने की इच्छा होती है। मद्रास। हमारी तरफ से महेश खड़े हो रहे हैं और वर्करों ने अपने लीडर विशाल को खड़ा किया है। बहरहाल
महेश अपने ही आदमी है। जी मैं आप सबका सेवक हूँ। अकल पैसा बहा दो, जिसको जो चाहिए वो दो, लेकिन महेश को हर हालत में जीतना ही चाहिए। देखता अंकल ये सब गलत हो रहा है। गलत तो उनका उम्मीदवार भी है, घर का कुक को। कौन कुक? खाना बना। हाँ हाँ हाँ। घर का खाना बनाने वाले को यूनियन का लीडर बनाना मांगता है। अरे कैसा बनाना मांगता, हम बना नहीं देगा। सुनो तुम जाके पॉपुलर बुलाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ। विशाल कमले और रुपये बांटे जा रहे हैं, तेरे पास कुछ माल पानी है? है? मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे घबराओ नहीं, पोपट और हम उसे ठिकाने लगा देंगे। मिला हाथ। हाँ ओ जिस लीडर का पर्चे में चर्चा निकल गया, जिस लीडर का पर्चे में चर्चा निकल गया, समझो उसके कई साल का खर्चा निकल गया, समझो उसके कई साल का खर्चा निकल गया, जिस लीडर का पर्चे में चर्चा निकल गया, और जिस लीडर का पर्चे में चर्चा निकल गया, समझो उसके कई साल का खर्चा निकल गया, निकल गया, समझो उसके कई साल का खर्चा निकल गया। खड़े हो जाओ, आपसे नहीं आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ, आया इलेक्शन, अरे जोर जोर से देना भाषण, भाषण पे कोई जूते फेंके, पर भाषण पे कोई जूते फेंके, फिर भी कहना नो मेंशन, नो मेंशन, नो मेंशन, बात बात पे कहना राशन, लोगों से हो जाए रिलेशन, मिल जाए टेलीफोन कनेक्शन, जाएंगे एयर कंडीशन, हो जाए ऊंची और पोजीशन, बम्बई से लेकर पठान को बांटो तुम दस दस के नोट, झूठ बोलो या कर लो खोट, सब से छीन लो, छीन लो, छीन लो उनके वोट, फेल इलेक्शन में हो जाओ, जीत बनो और ना घबराओ, और कहो के हम हैं देश के सेवादार, अरे हार जीत में क्या है यार, जो हमने समझाया गर्व करता निकल गया, हाँ जो हमने समझाया गर्व करता निकल गया, के समझो उसके कई साल का खर्चा निकल गया, हाँ समझो उसके कई साल का खर्चा निकल गया। तुम लोगों को मालूम है कि नेता
जो मांग के चंदा लेता है वो लेता है, जनता को कुछ नहीं देता है वो लेता है, जो झूठे वादे करता है से झोली भरता है, ऊपर से शोर मचाता है अंदर से खाता जाता है, जो हाथ जोड़ कर चलता है पब्लिक के माल पे चलता है, कुर्सी के पीछे लड़ता है मिल जाए तो नहीं उतरता है वो नेता है, जो हर ताले करवाता है सबको ताले लगवाता है, जो झोंपड़ियां गिरवाता है बिन हुक्म के हुक्म चलाता है और डिक्टेटर बन जाता है। मेरी गलती क्या है इसमें? आपका विशाल मुर्दाबाद है इसे। मैं पूछता हूं वो जीत कैसे गया, बोलते क्यों नहीं जीएम साहब? शायद तुम नहीं जानते कि उसकी जीत हम सब लोगों की जबरदस्त हार है। राजवंशी साहब, उसकी जीत में उसी की हार है। दीदी दो चार दिन में यहां आने वाली हैं, उनके आने से पहले हर रास्ता साफ हो जाना चाहिए। विशाल तुम्हारा जी उस्ताद। पकड़ के मारना जी, तोड़ दूंगा। अच्छा मार सर में अब नहीं बचेगा। हो गया? हाँ हो गया, हो गया ना, बहुत देर से मार रहे हैं ना। हाँ बहुत देर से बचा रहा। संभाल उस्ताद। मैं चंडी दिखा दी। सुन, जब यहाँ से वापस जाएगा ना अपने घर, हाँ उस्ताद, संभाल के जाना जी। ऐसा ना कोई अंदर लुक के बैठा हो। ठीक है उस्ताद, ठीक है, चल चले। और कोई नहीं पलवान, चल। शिवानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। तभी कलंदर भाई ने कहा था। क्या? उन्होंने कहा था घर देखकर जाना, शायद कोई दुश्मन न छुपा हो। ओह, तब तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि इस दुश्मन को तुमने घर की दूसरी चाबी दे रखी है? मैडम चाबी क्या, हम तो आपको सारा घर देने के चक्कर में हैं। मंजूर? अरे ये क्या हुआ? वो क्या है कि मेरे पाँव में मोच आ गई थी।
पांव की मोच का गर्दन के साथ क्या ताल्लुक? हुआ ऐसे कि पांव को बचाने के लिए मैंने गर्दन, मेरा मतलब गलत बात है, गर्दन को बचाने के लिए मैंने पांव बीच में दे दिया। उफ़ हुआ क्या? होना क्या था? मारा मारी, टिश्यू टिश्यू। किसे? तुम्हारे चाहने वालों से। मेरे चाहने वालों से? तुम्हारी कंपनी जहाँ तुम काम करती हो। जैसे कि तुम वहाँ काम नहीं करते। देखो जी, मैं वर्कर्स के साथ, वर्कर्स के साथ। आप है वहाँ सेक्रेटरी, आप मैनेजमेंट के साथ हैं, पैसे वालों के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब बताओ क्या हुआ? यूनियन लीडर बन गया हूँ ना, तीन को मार चुके हैं, चौथे की जिंदगी नहीं ले सके। ले भी कैसे सकते, वो तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। विशाल शिवानी, शिवानी शिवानी, एक बात कहूं। कहो शिवानी। क्या है शिवानी? बोलो। मुझे भूख लगी है यार, इतनी मार खाने के बाद भी पेट नहीं भरा? अरे मुझे मारने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। हाँ हाँ समझे। शिवानी एक बात बताओ। बोलो। ये अपने कंपनी की चेयरमैन मालती देवी कब आ रही है? कल आ रही है, सात गाड़ियां जा रही है उसके स्वागत के लिए। सात गाड़ियां? सात गाड़ियों में बैठ के आएगी? मुझे क्या मालूम, खुद जाके देख लेना। देख लेंगे देख लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का आंखों देखा हाल, मालती देवी का भारत एक्सप्रेस पर गुस्सा। अभी तक तो इन लोगों ने मेरा गुस्सा देखा ही नहीं, और राजवंशी न तुमने, कल की बात है, और इसका रिजल्ट यह है। इस बार ऐसा हो गया, दोबारा नहीं होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। और यूं भी राजवंशी जी बहुत काबिल आदमी है। बहन जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को, आप दोनों मुंह पर काली पोत कर कपड़े फाड़ कर जंगलों में चले जाइए,
कंपनी चलाने के लायक नहीं हैं आप। जुगनू खुद अपनी लालटेन लेकर चलता है, लेकिन आप लोग आंखें होते हुए भी अंधेरे में चलना चाहते हैं। चलना नहीं आता तो लाठी लेकर चलिए, किसी का सहारा ले लीजिए, कम से कम रास्ता तो ढूंढ लोगे। और इसमें हंसने क्या बात है, जमीन भिगोनी थी, कम से कम बोल के तो भिगोना चाहिए। हमारा एक तो पुर्जा टूट जाता तो क्या होता। अला गोभी फड़। हाँ अभी तो पूरी मंडी की मंडी उठाकर ले आते हैं भाईजान। कौन खाएगा ये? हाँ कौन खाएगा, मैंने सोचा बाजार में माल मिल रहा है वो भी सस्ता, आज ही ले लो, कल की किसको पता। जोर की चोट लगी है क्या? नहीं नहीं ज्यादा नहीं, मामूली सी लगी है, तू भी लकड़ी मार दे उसके ऊपर। सलाम उस्ताद जी। आजा पुत्र आजा अंदर। शर्मा बहन। अरे विशाल भैया आ गए। सही चल रहे बेटे, उस्ताद के नक्शे कदम पर। उस्ताद जी ओए, अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ क्या बात है उस्ताद, अगर आप गिर गए ना तो आपको पता चलता। हाई जान को पता चल चुका है। आप भी? हाँ मैं भी। तू भूली नहीं कि आज रक्षाबंधन है? भूलती कैसे, सुबह से इंतजार कर रही हूँ। वो क्या था, वहाँ मीटिंग थी ना फैक्ट्री में, इसलिए मालूम है मालूम है। अल्लाह करे पैंट पाई की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आमीन। माँ और भी कुछ करते हैं ना, मिठाई विठाई खिलाते हैं। नहीं नहीं मैंने आज सब कट किया, आज का जरा वजन कट करने के लिए थोड़ा। उस्ताद अगर उसके बावजूद ये हाल है तो फिर। राखी तो बंधवा ली, मेरा हक। हाँ शर्मा तेरे स्कूल के बच्चों के लिए ये कॉपी लाया हूँ, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए क्या हो सकता है। अच्छा भाईजान मैं चलती हूँ, तुम्हे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा एक बात बता विशाल। हाँ उस्ताद। एक बार का कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ? उस्ताद अगर हुआ नहीं तो समझिए बस होने वाला है। अरे भाई सुनो यार, अरे सुनो तो सही यार, अरे सुनो, अरे बात तो सुनो यार, कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हुआ? मैं एक बार धोनी सुबह से ना जाने कहाँ गए, मैं राजवंशी से बहुत गुस्से में है। कौन है मैन, क्या डोर तोड़ देगा? प्रियता खोल खोल बंद की वाड़, देख तेरे अमर खड़े तेरे द्वार। चोर चोर मैन। अमर अमर, शीघ्र तैयार हो जाओ शीघ्र। अमर तुम अपने मन में पाप लिए आए हो? जेब में। जेब में? मैं तुम्हारे लिए टिकट लाया हूँ सर्कस की। सर्कस? ओह नो। ये कौन आ गया? अरे मेरे लख्त जिगर नूर नजर कलेजे की टुकड़ी फेफड़े की हवा आँखा की छिपड़ी, तेरा खेल रहा है दरवाजा खोल। प्लीज तुम जरा छुप जाओ प्लीज। कहाँ छुपू? कहीं भी छुप जाओ प्लीज, मुझे तुम अपने हृदय में छुपा लो। लिसन टू मी, ओह माय गॉड, आई एम अमर। डावर जान आ गया तुम्हारा अपर खान। अच्छा मेरी जान जल्दी से कपड़े उतार डालो। मेरा मतलब है कपड़े बदल डालो, सर्कस जाना है। सर्कस? तुम भी? मैं भी? क्या मतलब मैं भी? अरे सर्कस नहीं देखे तुमने? क्या हाथियां है सर्कस? ये क्या क्या घोड़े हैं? हाँ और वो लंबे लंबे गर्दन वाले जिराफा भी हैं। बोले तुम? गला गला। इसके स्प्रिंग का पाटा ढीले मालूम होते हैं। निजाम के जमाने का है। प्लीज अपने डार्लिंग तुम इधर बैठो ना, प्लीज लव अ बॉय कम ऑन। काय को काज कर रहा है?
टूट जाएगा तो खुद जाएगा। वो छिदा हो जाएंगे। लको ना इसके पाटा ठीक है। थैंक यू डार्लिंग। ओह माय गॉड। अच्छा जूनी डार्लिंग चलो तुम तैयार हो जाओ जूनी। कौन है? ओह माय गॉड। मामू है। कौन है वे? ऐसे की आवाज लगता है जूनी का गला खराब है। कोई बात नहीं छुप जाओ। छुप जाओ ताई मैं डरता हूँ क्या? मैं डरती हूँ तुम छुप जाओ ना। मैंने वाली को निकम्मा कर दिया। हेलो मेरी फूटनी। ओह हाउ स्वीट। दरवाजा स्वीट हार्ट अपन जो भी करता है खोल के करता है। एंथनी माय नेम इज एंथनी गुलसन। मैं दुनिया में अकेला हूँ। हमारे दिल का बात पता लग गया। यही पर सर्कस होने वाला है अब उनका। बिल्कुल सच बोला था। तुम्हारा सर्कस तो इधर ही शुरू हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूली जान पे डोरे डालने। अरे शट अप कौन से डोरे? जूली हमारा डार्लिंग है। तुम्हारा भाभी भाभी क्या बे? तुम दोनों का भाभी लगता है। तुम दोनों का माँ है। शट अप माँ मेरी है। तुम्हें अंडे निकले और परा मार दे। अरे तुमको अंडे में वापस डालेगा। होने बे ओ जॉन डार्लिंग किधर था तुम इतना टाइम? मैन तुमको मालूम सर्कस का टाइम हो गया है। चले लेट्स गो। इन्हें कौन? मामू आजकल इतने ही आते हैं इतने। महात्मा बाय बाय। कम ऑन मैन। पराना बनाकर चल पड़े बाबू। बिल्कुल ठीक लिखा है बाबूजी ने। मैं पूछता हूँ हमारा प्रतिनिधि इस मीटिंग में क्यों नहीं था? अच्छी ये लोग तो रोज नए कानून बनाते हैं। ये हमारे साथ नहीं चलता रहेगा। ये क्या भीड़ लगा रखी है? ये कुछ जलसा जलूस की जगह नहीं है। काम यहाँ करेंगे तो जलूस भी यही होगा। बकवास बंद करो। अगर सर उठाया तो कुचल दिया जाएगा। कुचलना महंगा पड़ेगा जनरल मैनेजर साहब। अगर आप हाथी भी हो तो पहाड़ को नहीं रौंद सकते। आप इन वर्कर्स मेरे साथियों को मत छेड़िए। ये एक ज्वालामुखी पहाड़ है, समझे कि नहीं आप? एक बार इस ज्वालामुखी पहाड़ का मुंह खुल गया तो सब कुछ जल कर राख हो जाएगा। तुम्हें जो भी कुछ कहना है मालती देवी से कहो। मालती देवी की तानाशाही आप जैसे चापलूसों पर चल सकती है, हम पर नहीं। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। मालती देवी मुर्दाबाद। मालती देवी मुर्दाबाद। पारी एकता मुर्दाबाद। पारी एकता मुर्दाबाद। देखो भाई फैक्ट्री में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, मगर आज से हमारी गो स्लो मूवमेंट शुरू होती है, समझे कि नहीं? इसका मतलब कि हम पूरा नहीं आधा काम करेंगे। जब प्रोडक्शन कम होगी तभी इनकी समझ में आएगा। विशाल भैया जिंदाबाद। विशाल भैया जिंदाबाद। आप सब अपने कामों पे चलिए। चलो भाई चलिए चलिए आ जाओ। ऐसे ही करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसा। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये एक तहरीक है, आंदोलन है, और ये आंदोलन एक तूफान है, और इस तूफान को हाथों से रोका नहीं जा सकेगा। हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड की चेयरमैन मालती देवी मनमानी करने पर उतारू हैं। मोदी जी के ये भक्त हाथों में फूल और बगल में खंजर लिए घूमते हैं, और हम जो गुर्बत की वजह से अपनी गर्दन तक नंगे पांव हैं, हमारे सीने खुले हुए हैं। वो चाहें तो
तो खंजर से अपने जुल्मों की दास्तान हमारे सीने पर लिख सकते हैं। मगर क्यों, ये गलत है, खंजर का जवाब सीना नहीं। मगर खंजर का जवाब खंजर भी नहीं है विशाल। लोहा लोहे से लड़ तो सकता है मगर फैसला नहीं कर सकता। मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने आदर्शों की बलि दे दें, अपनी आंखें और सर उनके सामने फर्श पर बिछाते चले जाएं और वो अपने जूतों में नोकीले कीले ठुकवा लें हमें कुचलने के लिए। अगर आप यही चाहते हैं तो मेरे ये आदर्श नहीं है। अरे खड़े क्यों हो गए भाई, बैठ जाओ। आदर्श तुम्हारा भी वही है, सिर्फ ये कि रास्ता अलग है। मालूम है गांधी जी ने क्या कहा था, गलत रास्ते से सही मंजिल पे नहीं पहुंचा जा सकता। विद्रोह, क्रांति, रेवोल्यूशन गलत रास्ता नहीं, यह भी एक किस्म का प्रोटेस्ट है जुल्म के खिलाफ। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। क्या लिखा था उसके आगे यही लिखो। अच्छा जी जी हाँ, विद्रोह एक तरह का प्रोटेस्ट है, हमें इस क्रांति के लिए मजबूर मत कीजिए। क्या हुआ? ओफ, शायद फ्यूज चला गया। अरे भाई देख के ठहर ठहरो, मैं मोमबत्ती जला दे, जल्दी मत करो। बाबूजी फ्यूज यहाँ से नहीं गया। ए, मैं सब जानता हूँ, तुम जाओ। ओफो, हेलो, प्लीज गिव मी हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक। हाँ हेलो, देखिए अभी अभी यहाँ की बत्ती ये है, कल सुबह तक नहीं आएगी। अरे देखिए तो, अरे आप सही तरह से बात तो कीजिए। देखिए मैं आप हैं रख दिया, ऐसे बात कर रहा जैसे इस बाप का राज है इसका, कहते कल सुबह तक लाइट नहीं आएगी, मेजर ब्रेकडाउन हो गया है। मेजर ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है मैं जानता हूँ, तुम गुप्ता जी को फोन करो। हेलो 5843555 प्लीज। लेकिन बाबूजी पता तो चले आखिर हुआ क्या है। अरे हुआ कुछ नहीं, कराया गया है। हेलो हेलो गुप्ता इलेक्ट्रिक। हाँ गुप्ता जी, हाँ ये बात कीजिए। हाँ कौन गुप्ता जी? बाबूजी आप, हाँ देखिए ये लोग समझते हैं कि बिजली के काट देने से सूरज नहीं निकलेगा। देखिए आप ऐसा कीजिए, कोई आपके पास एक्स्ट्रा जनरेटर है? हाँ है, भिजवा दूँ? मैं विशाल को भेज रहा हूँ, उसके हाथ भेज दें। आप विशाल को भेज दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कौन? अकेले हो तो आ जाऊं? कितनी देर तक अकेला बैठा रहूं, यही पूछने के लिए बैठा हुआ हूं। अरे तनाई दूर करने का पार्सल साथ में लाया हूं। तुमने नहीं नहीं नहीं, मन तो चाह रहा था लेकिन वफादारी बीच में आड़े आ रही थी। गुड गुड। और फिर जो पार्सल आपका होता है उसे मैं हाथ भी नहीं लगाता। इसकी बात और है। जल्दी करो ना, जंगल में आग लगी हुई है। यहाँ भी थोड़ी सी आग लगी हुई है। माल में गड़बड़ है। कौन से? इसमें। तब ठीक है, तब ठीक है, चलती भी नहीं करते। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजे तूफान नहीं होता। क्या मतलब? मतलब साफ है, वो प्यासा इश्क की बदली का मुंतजिर है। जाइए। क्या होगा भाई इस दुनिया का? आपको मौसम कौन सा अच्छा लगता है? छत पर टपकती हो तो बरसात का मौसम अच्छा लगता है। मैं वादा करता हूँ आज से छत नहीं टपकेगी। ये इतुकल साहब हमारे एंटरटेनमेंट ऑफिसर हैं। कुछ झक्कड़ बाबा हो जाए जी, वो मैं ये पत्ती पूछा दूं। मेरा मतलब है खुशी की रात में क्या काम चलने वालों का। क्या बताऊं गुप्ता जी, मैनेजमेंट ने नाक में दम कर दिया है, सच कह रहा हूं आपको। और अगर आपका जनरेटर ना होता ना तो कल का अखबार ना निकलता। विशाल बेटे ये प्रेस तो हमारा अपना ही है, अगर हमारे पास जनरेटर नहीं भी होता तो हम जरूर कहीं ना कहीं से पैदा करते। मैंने जनरेटर गाड़ी में रखवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता। शुभ रात्रि।
कोई पढ़ेगा इसे? पढ़कर सुनाइएगा इस खबर को, ताकि ये पता चल जाए कि हमारे बोर्ड में कितने अनपढ़ और गंवार घुसे हुए हैं, और ये भी पता चल जाए कि हिंदुस्तान कॉपरेटिव का नाम किस तरह उछाला जा रहा है, किस हिम्मत से। राजवंशी तुम पढ़ो। जी बहन जी। ढोल की पोल, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड की पोल खोलने का वक्त आ गया है। मजदूरों के साथ अन्याय कैसे होता है, महंगाई भत्ता कैसे रोका जाता है, बोनस पर पाबंदी लगाने के कानून कैसे बनाए जाते हैं, गोदामों में माल भरकर अनाज के दाम कैसे बढ़ाए जाते हैं, ये सब हाल तफसील से जानने के लिए भारत का संडे एडिशन पढ़ना ना भूलिए। इस रविवार से हम उन सब भेड़ियों के मुंह से नकाब खींच लेंगे जिन्होंने खुद को भेड़ों की खाल में छुपा रखा है। और कलकत्ता, मद्रास, बंबई में तीनों यूनियन लीडर जो गुम हुए हैं वो भी इसी जुल्म की कड़ी है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, ख्याल किया जाता है कि तीनों का खून हुआ है। शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए। इन कागज के चिथड़ों को तुम संभाल ना सके? इतने से छोटे काम के लिए हमें बंबई से आना पड़ा? इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर संभालते हो? एक मामूली से एडिटर, उफ, क्या नाम है उसका? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश, तुम उसे काबू? वो मामूली एडिटर नहीं है मालती देवी, कॉलोनी के लोग उसे बहुत मानते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं, उसके इशारे पर अपनी जान तो कुर्बान कर देंगे। और शट अप, मुझे तो चारों तरफ बुजदिली की बू आ रही है। जनार्दन बाबू, बड़ी संस्थाएं चलाने वाले भी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। साधनों की कमी हो तो शायद मैं आपके पास मान भी। आप लोगों में तो इतनी ताकत है कि दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं। रही भारत एक्सप्रेस के पास, उस गाड़ी को तो अब तक पटरी से उतर जाना चाहिए था। जैसे कि एक्सीडेंट, संडे एडिशन रुकवा दो। तो कोई रहना तेरी निशानी, तू क्या है मैं
तरसाता है तुझ पे, नाजुक है तेरी जवानी। ऐसा तीर नजर का मारू उतर जाए सब मस्ती, बन के दीवानों की तरह गिरेगा बस्ती बस्ती। आदमी टक्कर लेना, पसीना हो मिना मुश्किल कर दूंगा जीना। चल नाम है मेरा मीना। क्या हो रहा गुरु, कहाँ कहाँ चले गए आप? चक्कर चलाने। आपका वो क्या मेरा क्या पुकार? मुझे क्या मालूम, वो पुल बंद देख रहे हैं। वो छोड़ो उसको, वरना दो बहुत ही पड़ेगी। क्यों क्यों चलो कही है तो क्या हुआ, सभा चला बहुत दिन हो गए। भूल में ना रहना ये बात तो रखना याद, जिसमें तू पढ़ती है मैं उस कॉलेज का उस्ताद। नाम है मेरा मीना, कोई मुझसे न टक्कर लेना, इस पे न रख दो तो, इस पे न रख दो तो, इस पे न रख दो तो, मेरा नाम बदल देना। अरे मुश्किल कर दूंगा जीना हम ना, मुश्किल कर दूंगा जीना। नजर भरती जिसे भी देख ले मेरी जवानी, तो पत्थर को भी पिघला के बना देती है पानी। ओ, ये पत्थर क्या है, चट्टानों को भी गिरा दूंगा, बना के और फिर खाक को उड़ा दूंगा। समझने के तेरा अंजाम आ गया, मेरा भी आशिकों में नाम आ गया, ये तेरी मौत का मैं हाम आ गया। अच्छा है जो तुम्हारे काम आ गया, देख उड़ा दूंगी, उड़ा के देख जला दूंगी, जला के देख मिटा ले उड़ा ले जला ले, मगर पहले दिल से दिल को, दिल से दिल को, दिल से दिल को मिला ले। चल नाम है मेरा मीना, मेरे सर पे कांटों का ताज,
अब्दुल जी, ये रहा पैसों का बॉक्स, गाड़ी में छोड़ के आओ। आहिस्ता आहिस्ता चलते जाओ, इसके पीछे बिल्कुल इस गाड़ी के दुम बन के चिपक जाओ इसके साथ में। बिल्कुल जाके तू अना सर, वाइस बर्ड यू गिवर कुतुब मीनार सर, शी डोंट वांट कुतुब मीनार, गिव अ रेड फोर्ट लाल किला अना। ओके अब्दुल अना एचसीएल सर, योर रूम नंबर 303 सर। थैंक यू, वेलकम। अच्छी ची 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 विशाल ला ऑल बना कुआ, तुमको क्या दिखा दिया तूने? उस्ताद बहुत जरूरी काम है। अच्छा यार, हमको ऐसी जगह ले आया तू, अगर हम यहाँ चार रोज के लिए आते रहे ना, हमारी तो आबरू लूट जाएगी। यार बहुत भारी काम है वो मगरमच्छ, देख रहे हो ना, उस साले को हल्का करना है। और तू ऐसा बोलना यार, हम इस तैरते हुए मगरमच्छ को अभी डुबो देता हूँ। नहीं उस्ताद, क्या है आप उस पर सिर्फ नजर रखिए, उसे कहीं जाने मत दीजिए। हाँ ऐसे लेके एक काम करना तू, तू जरा जल्दी जाके क्षेत्र से वापस आ जाना, नहीं तो हमारी इज्जत जो है ना, हमारी इज्जत खतरे में, अगर हमारी इज्जत लूट गई हम क्या करेंगे? आज मैं बस गया वापस लौटा, मगर आप उस मुर्दे को मत जाने दीजिए। देख अगर ये हिलने की कोशिश करेगा ना, हम तीन बारी सीटी बजा दूंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मगर आप नजर रखिए, नजर रखिए, नजर रखिए। ओह ये भी नंगी है। हम पे नजर पड़ गई। व्हाट अ मैन। और अब्बा मैंने इन दोनों को लो बचा दे रब्बा। कम ऑन। जब तू गुलाब दुआई भला को टाल दू। इना तुम हमारे रूम में आएगा। कम ऑन। लेट्स गो। जाना माया जाना पहन जी, क्यों मैं कम कटारी आदमी हूं। हम मगरमच्छ के बाहर निकल आए। ओ पाजी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बॉडी वाड़ी तो बड़ी तगड़ी बनाई है, डोले शोले कसरत करते हैं आप? हैं जरा देखे, जरा कुछ हिला मनु के। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, ये जो है जो हम सलवार कुर्ते पे पहन सकते हैं? जब धूप निकलती है तब पहनते हैं। लेकिन लेकिन एक बात सुनाइए हमको, बताओ ये जो आप जरा पहनो ना, पहनो जरा, कैसे लगता है हमको देखना? आप जब पहनते हैं तो खाली ऐसे ही पहनते हैं या इसके अंदर भी कुछ बातें हैं? अब आप पापा साहब सुनो, आपको देख के हम बहुत खुश हो गया, हम सिटी में जाऊं सिटी। ये देखो यार, मुझे आपको देख के हमारी तो वहां तंग हो गई है। सुनो तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? जाओ ना। उस्ताद क्या बात कर रहे हो? देखो हम बात उस्ताद, मैं विशाल हूँ, क्या कर रहे हैं आप? ओ बाल, ओ विशाल, अच्छा हो गया तू आ गया यार, मैं तो सीटियां बजा बजा के पागल हो गया, बिल्कुल सीटी नहीं निकल रही थी, फूके निकल रही थी, फूके फू फू। मुझे बता क्या हुआ? कुछ नहीं मिला उस्ताद, कुछ नहीं मिला। विशाल एक काम कर। क्या? पैसे तो अब्दुल के पास है अब तक,
तू अब्दुल के साथ रह, तुझे पैसे जरूर मिल जाएंगे। ठीक है उस्ताद, ठीक है। रंजन बाबू का शक बिल्कुल सही निकला। उन कुत्तों ने अब्दुल पे हमला किया, लेकिन उन्हें मिला क्या? खाली टीन का डिब्बा। और उन्हें मिलता ही क्या? माल तो ये रखा हुआ है। जी हम साहब, अब आप बस कीजिए, जल्दी कीजिए, वहाँ स्टूडेंट फैक्ट्री में आपका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, ये सब रुपया तुम लोगों के लिए है, और कंपनी ने ये भी फैसला किया है कि तुम लोगों की स्कॉलरशिप ग्रांट कर दी जाए। और बदले में हमें क्या करना पड़ेगा? ये गैर कानूनी और गैर जरूरी स्ट्राइक को एकदम रोकना होगा। हमारी काम नामुमकिन है। तुम लोग काम करो, एक यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करो, जिसमें तमाम स्टूडेंट पटरी से उतर जाएं, यही ना? गुड, बहुत ठीक समझे, लेकिन इस बात के पुराए कि तुम लोगों को सत्य प्रकाश ने वरगलाया है। हम तो यही कहेंगे कि हमें सत्य प्रकाश जी ने ही वरगलाया है। जी किस लिए सत्य प्रकाश का हो? जी वो आदत जो पड़ी हुई है ना। अच्छा तो हम चले, मुझे सुबह तक रिजल्ट चाहिए। सुबह क्यों, हम आज रात ही फैसला कर देंगे। ठीक है, ये रुपया इन लोग को दे दो। पहली बार देखा आप दरवाजा बंद करके बैठे। आओ आओ। जी, ये रुपया कहाँ से आया? क्यों, रुपया ही चाहिए था ना तुम्हें? बोलो कितना चाहिए? लेकिन अब जी ये सब यही तो हासिल करना चाहते थे तुम, नहीं समझे? उधर देखो। हाँ विशाल भैया, ये रुपया हमें तोड़फोड़ के लिए दिया गया था। आप बताइए विशाल भैया, इसका हम क्या करें? गुड, जो तोड़फोड़ वो करेंगे उसको जोड़ने के काम में आएगा। फख्र होता है सब देख सुनकर। जी चाहता है रुपया तुम्हें इनाम के तौर पर वापस लौटा दूं। अरे अच्छा काम अपने आप में खुद इनाम होता है। हम चले बाबूजी, हमें यूथ फेस्टिवल भी अरेंज करना है। मैं समझता हूँ यूथ फेस्टिवल की चाल भी। हेलो, यस सर, जी जी सर, हमने सर धड़ की बाजी लगा दी है, 12 जून से पहले पहले आपको रिजल्ट दे देंगे। जी हाँ जी, बहुत अच्छा, ओके सर। सबकी नौकरियां जाएंगी और तुम सबके साथ साथ मैं भी डिसमिस कर दिया जाऊंगा। हद होती है हर चीज की, कंपनी में चार चार खून हो गए, भारत एक्सप्रेस का दफ्तर जला दिया, और वो चाहते हैं कि हम खड़े कानून बेबस नहीं। सर कानून के हाथ खूनियों के गर्दन पर जरूर होंगे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये दिन के उजाले में लालटेन लेके क्यों घूम रहा तू? क्या करूं भाई, देख नहीं सकता, अंधा हूं ना। ओ बेवकूफ, अगर तू देख नहीं सकता तो क्या लालटेन से तेरी आंखों को रोशनी मिल जाएगी? अपने लिए नहीं भाई, आंखों वालों के लिए लेके घूमता हूँ, ताकि कोई टकरा ना जाए मुझसे। ओ दम है तेरी बात में, शबाश भाई। जरा सड़क पार करा दो। खुद सड़क क्या पार कराना, हम तुझे जमुना पार करा देते, तू चल मेरे साथ। ओ
भाई हम रुक क्यों गए? और रुकेंगे नहीं तो जाएंगे किधर? साइकिल के पीछे स्कूटर, स्कूटर के पीछे गाड़ी, गाड़ी के पीछे टेम्पो। चाहे देखो आगे पीछे, चाहे ऊपर नीचे, देखो आगे पीछे, चाहे ऊपर नीचे, हवाले आंखें नीचे, एक दूजे के पड़े हैं पीछे, पड़े हैं पीछे। चाहे देखो आगे पीछे, ये चाहे ऊपर नीचे, चाहे देखो आगे पीछे। पीछे मजदूर पड़ा, मजदूर के पीछे पड़ी है मेहनत। अरे पेट पीछे मजदूर पड़ा, मजदूर के पीछे पड़ी है मेहनत, मेहनत पीछे मिल खड़ी है, मिल के पीछे पड़ा है पैसा, पैसे पीछे है धनवान, धनवान पढ़ाई के पीछे, कुर्सी पीछे वोट पड़े, वोट के पीछे नोट खोट है, वोट पड़ी जनता के पीछे, जनता पीछे फैमिली प्लान, जनता पीछे फैमिली प्लान। चाहे देखो आगे पीछे, रे चाहे ऊपर नीचे, चाहे देखो आगे पीछे। चांद के पीछे पड़ा है रॉकेट, रॉकेट पीछे साइंस पड़ी। अरे चांद के पीछे पड़ा है रॉकेट, रॉकेट पीछे साइंस पड़ी। साइंस के पीछे पड़ा है एटम, एटम पीछे लगी तबाही, उसके पीछे है इंसान, इंसान पड़ा बारूद के पीछे है, बारूद के पीछे जंग के पीछे सुलह लगी है, सुलह के पीछे अमन पड़ा, अमन के पीछे हिंदुस्तान, अमन के पीछे हिंदुस्तान। समझ न पाया कोई अब तक, हर समझ न पाया कोई अब तक, कौन है ऊपर नीचे, दुनिया वाले आंखें नीचे, एक दूजे के पड़े हैं पीछे, पड़े हैं पीछे। चाहे देखो आगे पीछे, चाहे ऊपर नीचे, चाहे देखो आगे पीछे। भगत पड़े हैं जाप के पीछे, जाप के पीछे पुण्य पड़ा, पुण्य के पीछे पाप लगा है, पापी पड़े हैं पाप के पीछे, कौन है देखो आपके पीछे, आपके पीछे मजहब लगे हैं, मजहब के पीछे पड़ी है नफरत, नफरत पीछे फूट पड़ी है, फूट के पीछे कौम लगी, और गरीबी कौम के पीछे, और गरीबी कौम के पीछे, मिल के चलोगे मिले आजादी, अरे मिल के चलोगे भूख मिटेगी, मिल के चलोगे सबका भला है, तो एक झंडे के नीचे क्यों फिरते हो आगे पीछे, आओ एक झंडे के नीचे। दोस्तों, हम जुल्म के खिलाफ हैं, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं। मालती देवी चाहे हजार साल जिए, अरे लेकिन हमें भी तो जीने दें, हम भी जानदार हैं, इंसान हैं, और मैं कहता हूं कि हम बेहतर इंसान हैं, क्योंकि हम मजदूर हैं, आधी जिंदगी हम अपने पसीने में डूबे रहते हैं, इसलिए हम साफ हैं, और ये लोग अपने ठंडे एयर कंडीशन कमरों में
और गद्देदार सोफों पे बैठकर नित नए कानून बनाते हैं। मैं कहता हूं इनके दिल काले हैं और हाथ गंदे। मैं पूछता हूं, कभी इन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, पसीना बहाया? दोस्तों हम कमजोर हैं, निहत्ते हैं बिल्कुल। हमारे पास सिवाय अपने बाजुओं की ताकत के कुछ नहीं है, लेकिन इन जुल्म करने वालों को हम दिखा देंगे कि हमारे सीने डायनामाइट हैं, हमारी मुट्ठियों के अंदर बारूद है। 12 जून की तारीख तय की गई है, 12 जून को हमारी स्ट्राइक शुरू होगी। हम सब वर्कर्स और स्टूडेंट्स मिलकर ऐसा मुजाहरा करेंगे कि इनके बहरे कान हमारी एकता की गरज से फट जाएंगे। बहुत दिया है हमने खून, आखिरी दिन है 12 जून। किसने 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 लगाया ये? हाथ नहीं लगा रहे उसे राम मैंने लगाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? ये कौन है? रामू चाचा पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई इनकी? कौन होते हो तुम ये सब सवाल पूछने वाले? मैं यहाँ का वर्कर हूँ, यूनियन लीडर हूँ, और ये रहा हमारा मेमोरेंडम। में क्या तुम्हारा मेमोरेंडम? काम करना है तो कीजिए, नहीं तो निकल जाइए यहाँ से। क्या हुआ? जो भी है यूनियन का लीडर या प्लीडर, निकाल बाहर कीजिए, हिसाब कीजिए, आज से ये काम नहीं करेगा। ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा रंजन साहब। अगर मैं यहाँ से चला गया तो स्ट्राइक 12 जून को नहीं आज से शुरू हो जाएगी। कोई परवाह नहीं मुझे, मैं समझूंगा। तो समझ लो स्ट्राइक आज से शुरू। जोड़ते रहना बैठ के इन पुरुषों को। चलो भाई। शिवानी, ये जो बोरियां है ना, अनाज है। ये अनाज मैंने इकट्ठा किया है। तुमने? मगर क्यों? वो जो रुपया था ना जिससे मशीन खरीदी थी, उसी से अनाज खरीदा है। और देखो कुछ रुपया बच भी गया है, वो इस बैग में है। शिवानी ये अमानत है, मजदूरों की अमानत, और आज ये अमानत मैं तुमको सौंप रहा हूं। मुझे? मगर तुम कहां जा रहे हो? जा नहीं रहा शिवानी, ले जाया जा सकता हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मजदूर साथियों की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हें उन्हें यहां से अनाज देना होगा और रुपया भी। और देखो मेरे साथियों को किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। चंडाल चौकरी हस्ती देवी आप हैं यहाँ के यूनियन लीडर? नहीं, साथी हूँ। समझदार लीडर अपने आप को साथी ही कहता है। समझदारी का ये तमगा आप अपने सीने पर नहीं सजाना चाहते? मुझे किसी मेडल की जरूरत नहीं, छोड़ो मेरा रास्ता। रास्ता मिल जाएगा, पहले आपको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। सुनाइए। आपके भाई ने हमारा मेमोरेंडम बिना पढ़े फाड़ कर फेंक दिया, नंबर एक। नंबर दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यूनियन लीडर्स को भी शामिल किया जाता था, अब वो जगह हमें क्यों नहीं मिलती? नंबर तीन, स्ट्राइक शुरू है,
इससे ये ना समझा जाए कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो 12 जून तक की तारीख है, आप हमारी मांगों पर गौर कर लीजिए, वरना उसके उसके बाद हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड का सारा कारोबार और सारा मैनेजमेंट हम अपने हाथों में ले लेंगे। मजाक अच्छा कर लेते। मालती देवी, मालती देवी, मालती देवी, पंडाल चौकरी, मालती देवी, पंडाल चौकरी। मेरे ख्याल में रंजन ने जो कुछ किया है ठीक किया है। हम वर्कर्स की बेहुदा मांगों के सामने झुक नहीं सकते, चाहे हमें कंपनी बंद क्यों न करनी पड़े। कंपनी तो बंद हो ही गई है, अब क्या करना है? नई कंपनी खोलेंगे। पुरानी चीज खत्म होने पर ही तो नई चीज पैदा होती है। कंपनी कोई चीज नहीं है, कोई गिलास नहीं है, कोई एस्टे नहीं है, कोई आपका चश्मा नहीं है। जो टूट जाए तो फिर से बाजार से दूसरा ले आएंगे। वर्कर्स का क्या होगा? मैं जानता हूँ उनकी मांगे मानकर भी हमारा नुकसान कोई नहीं होगा। वर्कर्स की आपको बहुत चिंता है जनार्दन बाबू। रहिए, आप सेक्रेटरी चीफ हैं, आपको पॉलिसी मैटर्स में बोलने का कोई अधिकार नहीं। देखिए बात, राजवंशी, पहली बार देख रही हूँ आपस में भी इत्तफाक नहीं रहा। ये नाइंसाफी भी तो पहली बार हो रही है। आप समझती हैं कि मैं जो समझती हूँ उसे जाने दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए, मैं सुन रही हूँ। कहिए। लोग आपसे और आपकी पॉलिसी से खुश नहीं है, खास तौर से वो रंजन से नाखुश है। तो वो चाहते हैं कि रंजन कंपनी के मामले में दखल ना दे। आप क्या चाहते हैं? वो तो ये भी चाहते हैं कि आप भी कंपनी से इस्तीफा दे दें। आप चाहते हैं लोगों के कहने पर मैं इस्तीफा दे दूं? आप भी कानून से ऊपर तो नहीं है, कानून सबको एक नजर से देखता है। मैं देख रही हूँ मेरे पास काफी कुछ बदल चुका है। जो लोग जनार्दन बाबू के हक में हैं, क्या वो अपने अपने हाथ उठा सकते हैं? मालती देवी, जिसमें हिंदुस्तान कोऑपरेटिव की भलाई हो वही आपको करना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, मेरा इस्तीफा देना जरूरी है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सोचने का मौका चाहिए। रंजन, हमें अंधेरा अच्छा लगता है। दीदी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अंधेरे में इस्तीफा लिख दिया है। इस्तीफा? इस्तीफा? आप इस्तीफा नहीं देंगी, आप इस्तीफा नहीं दे सकती। आप इस्तीफा देंगी तो हम तबाह हो जाएंगे। नहीं नहीं, छोड़ देंगे क्या वो हमें? नहीं नहीं, आप इस्तीफा नहीं दे सकती, आप इस्तीफा नहीं देंगी। रंजन ने जो भी किया है वो ठीक किया है बहन जी। जब भी तुम लोग मेरे साथ होते हो मेरी ताकत दुगनी हो जाती है। और आप उस ताकत को छोड़ देना चाहती हैं? और फिर मैं बात ताकत की भी नहीं कर रहा, सवाल यह है कि जो सूझबूझ आप में है वो और किसी में है? कौन है जो चला सकता है हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड को सिवाय आपके? मगर हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते। माफ कीजिएगा बहन जी, आपके सारे के सारे डायरेक्टर्स बेईमान, मक्कार और छोटे दिल दिमाग के मालूम होते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, मेरे पास इन सब लोगों की फाइलें तैयार हैं और इन टेप्स में सब के सब जकड़े हुए हैं। जनार्दन की फाइल है तुम्हारे पास? नहीं है तो बन जाएगी बहन जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस। तुम जनार्दन को नहीं जानते, उससे तो सच बोलने की बीमारी है। लोग कहते हैं जहां जनता वहां जनार्दन, मैं उल्टा कहती हूँ, जहां जनार्दन वहां जनता। वर्कर्स पर उसकी बहुत होल्ड है। तो हम भी उल्टा ही करेंगे बहन जी, हम जनार्दन को अपने होल्ड में कर लेंगे। अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो मुझे क्या करना होगा? जी कुछ भी नहीं। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर, नहीं नहीं नहीं, आई मीन रंजन पर तो आपको विश्वास है ना?
देखिए बहन जी, जब तक बच्चों पर जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाए तब तक वो जिम्मेदार नहीं बनते, नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? जी मैं कह रहा था, आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी रंजन के नाम कर दीजिए। आपकी गैरहाजिरी में सिक्का रंजन का चलेगा, बाकी सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। मेरा मतलब है, मैं हूँ, दुग्गल है, जीएम है, वो लाइए पावर ऑफ जी। तुम तो तैयार करके लाए हो गए। जी हाँ, वो मैं लाया तो हूँ। राजवंशी, जितने तुम होशियार हो उससे ज्यादा होशियारी की जरूरत पड़ेगी। जी जी, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, ये रहा आपका। शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज जो कुछ भी बना हूँ उसका सेहरा मेरे दोस्त राजवंशी के सर पर है। मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कमाल तो दुग्गल साहब ने किया है। कमाल और दुग्गल साहब ने? दुग्गल साहब, आपने क्या किया है? कुछ नहीं, ऐसे बस। यार दुग्गल, अब शर्माओ नहीं। देखो भाई, बात यह है कि दुग्गल साहब के कुछ विदेशी दोस्त आए हुए हैं एक खास प्रपोजल लेकर। क्या प्रपोजल? वो लोग हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड खरीदना चाहते हैं डेढ़ गुना कीमत देकर। मतलब आपको 45 करोड़ रुपए देंगे और उसके बावजूद फैक्ट्री जो है वो आपके नाम पे रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। प्लीज गए जेंटलमैन, मिस्टर रंजन। हेलो 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 मिस्टर गणपत राय। गणपत राय, हेलो हेलो, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। नॉट यू। तुम सब एक साथ डाली मारा था? जा एक साथ मैं नहीं है। गुड। मुझे कहा गया है कि आप लोग हिंदुस्तान कोऑपरेटिव खरीदना चाहते हैं, क्यों? व्हाट? मिस्टर गणपत राय, मिस्टर अंजन, हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसका नाम है नैश। जो आप अपना इंडस्ट्रीज में बनाता है वही हम विदेश में बनाता है। अगर आप अपना इंडस्ट्रीज बंद रखें जैसा तो आजकल है, तो हमारा माल आपका देश में स्मगल हो सकेगा। इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा। हमें मंजूर है। गुड, वेरी गुड। आज से हमारा कानून, इस किताब का कानून, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव का नया कानून बनेगा। तुम झूठ बोल रही, तुम प्रेस में गई थी। मैं पूछता हूं क्या पागलपन है? जिन लोगों की मैं हिफाज करता हूं तुम उन्हें खिलाफ बगावत कर रही हो? हाँ, अपने अधिकारों के लिए। ये हुए कि मैं सीएल का सिक्योरिटी ऑफिसर हूं और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते मेरी ड्यूटीज क्या है। डैडी, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। शिवानी, अपनी ड्यूटी के तहत अगर मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ा तो मैं झिझकूंगा नहीं, और अगर फर्ज के नाते मुझे आपका मुकाबला करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। शिवानी बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फख्र है। बेटे, हमेशा याद रखना, आदर्श के लिए जिंदगी देना बेहतर है, जिंदगी के लिए आदर्श नहीं। अगर तुम्हें अपने उसूलों पर इतना ही भरोसा है तो एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जो कदम तुमने आगे बढ़ाया है उसे मत हटाना। बेटे,
जुल्म के खिलाफ जो आवाज तुमने उठाई है उस पर अटल रहना। संभाल, आज छेती छेती उठे, शेर की तरह उठे। इतना टाइम लेगा ना, दुश्मन है ना, तेरी खाल में पूसा पड़ देगा। वाह शेर दे पुत्रा, इसलिए इतना टाइम ले रहा था तू। समझ गया मैं, उस्ताद की हड्डी पन देगा तू। उस्ताद आप है, उस्ताद आपको नया दौर पे चिखाई उस्ताद। अच्छा सुनो, पहले थोड़ा वजन उठाना चाहिए, ये जो है ना कम करने के लिए। ठहर जा पीमा। हाँ उस्ताद। जरा वजन उठा के ले आई। ये वजन? हाँ वजन। संभाल पतलून ना पाए, नई चीज दिखाई दे। हाँ इसको मैं इस महीने उतार रहा हूँ अखाड़े में दारा सिंह जी के सामने। दारा सिंह जी की बहुत बहुत तगड़ा लग रहा है। बहुत जरूर चला दबा जा। हाँ उस्ताद बोलो। इसको चुप, उल्टा हाथ रख रहा है, सीधा रख। हाँ उस्ताद। ए, अब देख ये जो खाल है ना, खाल है ये जरे बख्तर की तरह हो जानी चाहिए, बिल्कुल कस के, ताकि सामने वाले दुश्मन की गोली जब छाती पे लगे ना, टूं करके वापस जाके दुश्मन की छाती में लग जाए। वाह उस्ताद वाह, बताइए कैसे 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 कैसे। अब चुक। ये अच्छा काम कर, मेरी नमाज का टाइम हो गया है, तू इस नमाज में लगे रहना। ठीक है सर। है मैं ठीक आता हूँ। क्या हुआ, सबके चेहरे क्यों उतरे हुए? कॉलेज से निकाल दिए गए क्या? निकाले नहीं गए विशाल भैया, निकल कर आ गए। हमने फैसला किया कॉलेज को बॉयकॉट करेंगे, क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? फीसें बढ़ा दी गई हैं। बढ़ा दी गई हैं, डबल कर दी गई है विशाल भैया, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे तो मन पर, यही तो साजिश है उनकी कि तुम मन पर रहो, पढ़ लिख जाओगे तो हक मांगोगे ना, और यही तो वो नहीं चाहते। मगर जी हार के भी नहीं बैठना। जो लोग सूरज की तरफ पीठ करके बैठे हैं उनके साय में नहीं बैठना। चलो सुबह हमारी है, विद्या में मुनाफाखोरी, शिक्षा में मुनाफाखोरी, सच्चाई का नाश हो। लाइन कैसे नहीं मिल रही है? अर्जेंट करो, लाइटिंग कॉल करो, पर मालती देवी से मेरी बात होनी ही चाहिए। गेट मी मालती देवी ऑन द लाइन। हेलो हेलो बहन जी, अब जी हाँ मैं राजवंशी बोल रहा हूँ। अखबारों में स्टूडेंट्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। बहन जी मैं बहुत घबरा रहा हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मिस्टर राजवंशी, आपके टेबल पे हमेशा चांदी का गिलास होता है। जी? वो है आपके पास? जी हाँ है। खाली है? जी नहीं, पानी है। पी लीजिए, घबराहट दूर हो जाएगी। जी हाँ पी लिया। अब ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट्स और मजदूर किसी भी कीमत पर मिलने नहीं चाहिए। क्रैश कर दीजिए उन्हें। जी जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये लोग आपस में मिलने नहीं चाहिए, पर मुश्किल यह है बहन जी के थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है और वो रुपए की चीजें। मैं अभी हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक को फोन करती हूँ, वहाँ किसी भी विश्वास के आदमी को भेजकर रुपया मंगवा लीजिए। और ध्यान से सुनिए, वहाँ के मैनेजर को कोड वर्ड बताइएगा, कांटों का ताज। बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग। इस झगड़े की जड़ तो यूनियन लीडर है, अगर उसे निकालकर बाहर कर दिया जाए तो। ओफो, उसे निकालकर बाहर कर दिया जाए इतना आसान नहीं है, कोई रास्ता बताओ, कुछ सोचो सोचो। आइडिया, छोकरियों के चक्कर में फंसा दूं, दो दिन में लीडरी भूल जाएगा, जिंदगी भर डॉक्टरों को इलाज कराता फिरेगा। क्या दुग्गल साहब, भगवान के लिए इन छोकरियों का छोड़िए और कुछ काम की बात कीजिए, काम की। मेरी जिंदगी तो सत्यप्रकाश ने तबाह कर रखी है, समझ में नहीं आता कि ऐसे घर के अंदर की खबरें देता कौन है। जरूर कोई घर का भेदी है जो लंका ढाने की कोशिश कर रहा है। कैयत के हर आदमी पर 24 घंटे की नजर रख दूं। That's a good idea. कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी है,
मीटिंग खत्म करके जैसे ही लोग बाहर निकले, हर आदमी के पीछे हमारा एक एक आदमी होना चाहिए। ओके, सिक्योरिटी। कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे उस लड़के से काम है। अरे भाई काम है तो टिकट देके अंदर जाओ ना, बिना टिकट कैसे जा रहे हो? बाहर हाउसफुल का वोट भी नहीं पड़ते, चले आते हैं बिना टिकट। बड़े सही वक्त पर आई हूँ, चुपके चुपके माल उड़ाया जा रहा है। लो शेवानी भी आ गए, स्टूल खींच लो। ये ठीक है, नीचे दे दो। बड़ी भूख लगी है, भगा भगा कर उस मुर्दे ने परेशान कर दिया। हाँ? बिहारी। कौन मुर्दा? था एक, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आए। कहिए दीदी। ये कागज ले जाओ, इनकी फोटोस्टैट कॉपी बनाकर जल्दी ले आओ, मुझे लेके जाना है। बहुत अच्छा दीदी। तुमको शक हो गया, उनका एक आदमी मेरा पीछा करा था। फिर तो यहाँ तक आया होगा। तुम्हारी तरह है, खाली बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, दिमाग यूज करती हूँ। एक दूंगा दिमाग का सारा भूत उतर जाएगा। मेरी थाली दे दे, तू अलग कर, अलग कर। देखा बाबूजी, देखा दिल कितना छोटा है, नाम इशारा तो क्या हुआ। अरे ये क्या, बैठ जाओ, आते ही झगड़ा शुरू कर दिया ना। खाओ बेटा। हाँ फिर क्या हुआ? उसे थिएटर पे छोड़ाई हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने थे। अरे हाँ एक और खबर भी है। क्या? आज की मीटिंग में तय किया गया है कि हिंदुस्तान कॉलेज स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाई जाएगी। क्यों? ताकि लोग अनपढ़ रहें और उनका हुक्म सर झुका के मानते रहें। ये किसके आइडिया से हुआ है? आइडिया देने वाला और रह ही कौन गया है, पूरे बोर्ड में तो सिर्फ औरतें हैं, मर्द तो सिर्फ एक ही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या मालती देवी अपनी कब्र खुद खोद रही? अच्छा बाबू जी मैं चलता हूँ, जरा अखाड़े जाना है। मैं भी चलती हूँ ना, रास्ते में छोड़ दूंगी। जी नहीं, मुझे पैदल चलने की आदत है। लेकिन ये खबर अच्छी नहीं, गरीबों पर और बोझ डाला जा रहा है। लीजिए दीदी, इसकी फोटो कॉपी उतार ली गई। अच्छा बाबू जी मैं चलती हूँ। लेकिन जरा संभल के अच्छा। जाना तुम। आप किसी को ढूंढ रही? क्यों चले आए थे वहाँ से? मैंने कहा था ना मैं भी साथ चलूंगी। अरे यहाँ रुक के तुम्हारा इंतजार भी तो कर रहा था। बेईमान किंग के। इतनी गर्मी। बाय द वे आपकी वो कार कहाँ है? वो थिएटर पर है, मैं टैक्सी में आई हूँ। तो ये बेईमान अगर आपके साथ टैक्सी में चले तो कोई इतराज नहीं। चल। गुस्से में तो तुम जी लेती हो शिवानी। ठीक है आगे से मैं गुस्से में रहा करूंगी। विशाल, हम कब तक इस तरह छुपकर मिलते रहेंगे?
अरे बीच शहर में इकट्ठे टैक्सी में जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम छुप कर मिल रहे हैं? ओफो, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि हम साथ इकट्ठे कब रहेंगे। देखो फिर फटी कमीज और बटन देखो तो बटन भी नहीं है। क्या करूं, कोई सीने वाला भी तो नहीं। मैं सिया करूंगी हमेशा। वादा? तो फिर मैं भी एक वादा करता हूँ। क्या? फैक्ट्री से कपड़े हमेशा फाड़ कर लाया करूंगा। इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। कभी जीने के वादे कभी मरने की कसमें। मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। Thank you.
बरस में। लीजिए 161 162। अच्छा दफा हो जाओ। सलाम कलंदर मियाँ। वालेकुम सलाम। ओ मुंडिया, ओ पहलवान, देख कुड़ी आई। विशाल, उन लोगों ने हमला कर दिया। यानी परसों जुलूस नहीं निकलेगा, रात ही रात में सब पकड़े गए और बाबूजी भी उनमें है। मगर क्यों? ये पूछने का हक भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जिसे भी पूछने की कोशिश की उसे पकड़ कर ले गए और अब तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं। मुझे मुझे किस लिए? लेते हो ना, क्या जुर्म नहीं है? अपनी जबान खोल के अपना हक मांगते हो, क्या गुनाह नहीं है? अब तो एक ही काम करना पड़ेगा विशाल, अपने मुंह पे ताले लगा दो और चाबियां जो है ना अगलों को दे दो। मुझे लगता है बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। मालती देवी तो चली गई और चंडाल चौकी रातों को सर जोड़े साजिश करती रहती है। ये कौन सी चंडाल चौकड़ी है? राजवंशी, जीएम दुगल और रंजन। और अब की कसम जीएम में आता है जितने के जितने छचुंदर है ना, इन सब की पीठ में मैं एक चाड़ू फंसा कर मोर बना के इन सब चूहों को नचाता फिरूं बाजार में। इतना कुछ हो गया और तुम अब बता रही हो मुझे? ये सब वो छुपकर करते हैं, मीटिंग तो होती नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि राजवंश के ऑफिस से कुछ राज मिले। मिलते ही तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, इधर से बाहर निकलना नहीं। और तो इसकी फिक्र मत करो, ये जो है ना ये हमारी छाती के पीछे छुपके जाएगा। फैक्ट्री कंपाउंड प्रेस हर जगह ढूंढ डाला, पता नहीं हरामजादा कहां गायब हो गया। वो मुझे नहीं मालूम, अगर वो नहीं मिला तो फौरन वाले हमें पैसा देना बंद कर देंगे। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, जहन्नुम में जाओ लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहां हूं और सब कुछ जान चुका हूं। मजदूरों के होते हुए ये फैक्ट्री नहीं बिकेगी। आप मुझे मारना चाहते हैं? अरे कितनों को मारोगे? इस मुल्क में एक नहीं करोड़ों विशाल हैं, और तुम मारोगे भी कैसे रंजन बाबू? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। देश के दुश्मन हो, गद्दार हो, और मैं तुम्हें पकड़वा करूंगा। मैं ये मुद्दा किसी हालत में पकड़ना उसको। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। सदमा, इसे क्यों लाया हो? आपने कभी वाजिद अली शाह का नाम सुना है? वाजिद अली शाह? वो जहां जाता था उसका हुक्का उससे पहले पहुंच जाता था। ये विशाल और कलंदर का हुक्का है। ले जाओ उसे कंपनी के उसको, औरों के साथ इसका भी फैसला हो जाए। मगर उससे पहले तुम्हें एक और फैसला करना है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मीना को होने वाला है। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम्हें आज ही उससे शादी करनी होगी, समझे? हाँ कर लेगा, फिक्र क्यों करती हूँ, मैं कराऊंगा शादी। मैं तो पंडित साथ में लेके घूमता हूँ, नमूना दिखाऊं? पंडित संभलो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, दिखाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, कमीनो जालिमो, छोड़ दो मुझे, मीना मीना।
राजवंशी को खबर कर दो कि दुश्मनों तक हमारी खबरें पहुंचाने वाली जासूसा शिवानी को मैंने पकड़ लिया है और उसके जरिए मालूम करे कि विशाल कहां है। और तुम दोनों शिवानी के बाप को बाइज्जत तरीके से घसीटते हुए यहां ले आओ। कुछ बोली? नहीं साहब, अभी तक कुछ नहीं बोली। बोलो, वो यूनियन लीडर कहां है? नहीं बोलो, यहां तो अच्छे अच्छे गूंगे भी बोलने लगते हैं। ले जाओ उसे पांडवा। सुनो, कब तक नहीं बताओगे? ले जाओ इसे बर्फ की सलाहों पे, ले जाओ। अभी वक्त सिर्फ ये बता दो कि विशाल कहाँ है। अब भी बता दो, बता दो माय डियर, विशाल कहाँ है? तो हड्डियों तक महंगा कर दो, जब होश में आ जाए तो हमें खबर कर देना, समझे? यस सर। जी हाँ, यही खबर देने के लिए मैंने आपको फोन किया है। मालती देवी, पानी सर से ऊपर जा चुका है। दुग्गल और राजवंश मिलकर रंजन बाबू को तबाह कर देंगे। जनार्दन बाबू की हत्या की जा चुकी है। जी, शिवानी भी मौत के रास्ते पर फेंक दी गई है। आप अगर यहाँ नहीं आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन लोगों के सर पर खून सवार हो चुका है। जी जी हाँ, इसीलिए जी। मालती देवी, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप जितनी जल्दी हो सके। बहुत अच्छे, हम ही से सीखे, हम ही व्यवहार किया। जाने मन, हमने वफादारी मांगी थी, गद्दारी नहीं। इस खूबसूरत बला का चेहरा जला दो। जो रूप आग लगाता है उस रूप को आग लगा दो। सिर्फ जबान छोड़ देना बोलने के लिए। नहीं 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 नहीं, इसे मंजिल नंबर 12 पे पहुंचा दो, खूबसूरत लड़कियां वही बोलती हैं। आप ठीक कहते हैं दुग्गल साहब। दे दूं आज मेरा भी इरादा हो गया, दे दूं आज मेरा।
12 जून है, फैसले का दिन। अगर कंपनी हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लेंगे, इसमें चाहे हम जिए या मरे। मगर कल उनके जुल्म का आखिरी दिन है। नहीं विशाल भैया, कहने का वक्त खत्म हो गया है विशाल भैया, करने का वक्त आ गया है। मीना जी, आप? मेरी बहन की उन्होंने जान ले ली, और शिवानी की जान भी लेने वाले हैं। कलंदर की बहन को भी उठाकर स्कूल से, ये है उसकी बैसाखी। बहन, तेरा सहारा तो मैं हूं, तेरे इस सहारे की कसम, तेरी बांधी हुई राखी की कसम। अगर कंपनी की ईंट से ईंट नहीं बजा दी तो मैं भी विशाल नहीं, कलंदर भाई। मेरे पे नहीं। अबे जुली आ रही है। अरे आओ जुली जान, आओ। हाय। भाभी को जान बोलता है? अबे भाभी होगी, मेरे लिए तो जुली प्रियतम ऐसे जैसे कि शराब की बोतल। हाय अकबर। हेलो नमस्कार, नमस्कार। ये क्या तुम लोग इधर बाहर खोले ला है? मैं और सब लोग पी के बैठे नहीं तो ऐसे भागता जैसे पत्थर से कूदता। ये सब किधर मिलेगा तुम लोग को? वो रंजन बाबू है ना, वो आज पैदा हुए। क्या उनका आज जन्मदिन है? ये बोतलें शराब की इसलिए उन्होंने भेजी है। तुम्हारे लिए? तुम्हारे ये नहीं, अखे वर्कर लोग के लिए। लेकिन अपन बोले वर्कर लोग को काय को? हाँ अपन बोला कि ऐसा गंदा चीज वर्कर को काय को देना, इसलिए अपन लोग ये सब पी रहा है। छी छी छी, तुम लोगों को शर्म नहीं आता ऐसी गंदी चीज पीता है? हाँ अपन तुम लोग को बहुत अच्छा आदमी समझता था, बहुत अच्छा, पर तुम लोग छी, आज के बाद तुम लोग अपन का घर कभी मत आना, कभी मत मिलना अपन को। प्रियतमा कहाँ जा रहे? प्रियतमा, ये इस कमीने की वजह से मेरी सोनी चली गई, अब मैं किसको कच्चे घड़े पे बिठाऊंगा? मेरी दुनिया लूट गई, मैं इसकी भी दुनिया लुटा डालूंगा। गरीब का दिल तोड़ा तुझे, इसके लिए खुदा तो क्या और ऐसा का निजाम भी तुझे माफ नहीं करेंगे। पूत का पूत
इस औलाद से अच्छा है के हो रहना बे औलाद हो ऐसा पैदा हुआ माँ का ये लाडला ऐसा पैदा हुआ माँ का ये लाडला आग जग डके डलगा डके डलगा चमचे पालेगा ऐसा पैदा हुआ पैदा हुआ मगर क्या फायदा हुआ ऐसा पैदा हुआ माँ का ये लाडला ये लाडला ऐसा पैदा हुआ अकेला पैदा हुआ है लाल ओ जुड़वा पैदा होते तो फिर आ जाता भौचाल ओ खाली दाली का देखो ऐसा रोशन हुआ चराग चांद के माथे पे लगा हो जैसे काला पैदा हुआ माँ का ये लाडला ऐसा पैदा हुआ माँ का ये लाडला शहर की पुड़िया सत्य प्रकाश जमात के साए की तरह हमारे सरों पे मंडरा रहा है तो ये है मिस्टर सत्य प्रकाश जिन्हें सच बोलने की आदत है साइंस ने हर बीमारी का इलाज निकाला है जबान काट दो गूंगा सच ही बोलता रहे लेकिन जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा एक सत्य प्रकाश के मरने से हजारों सत्य पैदा होंगे ये रवायत है जिसे शायद तुम भूल चुके हो खामोश बदजुबान हम यहां तुम्हारा एडिटोरियल सुनने के लिए नहीं आए हैं तुम्हें यहां लाया गया है तुम्हारा फैसला करने के लिए फैसला तो हो चुका है सिर्फ सुनाने की देर है अगर
तुम्हारे मुंह में अल्फाजी काफी है, इशारा करो किसी ने परिणी की जिंदगी की दास्तान लिख डालता हूं। ये गुनाह कभी मत करना सत्य प्रकाश जी, मजदूरों की पवित्र गाय है, इन्हें मत छूना वरना बलवा हो जाएगा, आफत आ जाएगी, मजदूर फैक्ट्री को आग लगा देंगे। आप हट जाइए। नहीं रंजन बेटे, ये लोग तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, मैं अभी अभी मालती देवी को फोन करता हूँ, उनके हाथ से ही सब ठीक हो जाएगा। जनार्दन क्या करो, लोग जब बागी हो जाए तो उसे भी रास्ते से हटाना पड़ता है, चाहे हमारा दिल ही क्यों ना टूट जाए। दिल रुको दुग्गल, इसे अभी मत मारो, वक्त आने पर इसका फैसला हम खुद करेंगे, फिलहाल फिलहाल इसे फैक्ट्री के कूड़ा घर में फेंक दो। विशाल कहाँ है? विशाल मेरे दिल में। कभी नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, ले जाओ इस पुट्टे को उस चिता के पास, मैं तुझे तेरे बच्चों की चिता के साथ ही चला दूंगा, वो देखो वो देखो वो तुम्हारे बच्चों की चिता है। उनसे उठती हुई आग की लपटें तेरे तेरे जिस्म को जला देंगी और फिर तेरे दिल में छिपा हुआ विशाल तेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। रंच है कि ये दो खंबे खाली हैं, चाहते तो हम यही थे कि 12 जून शुरू होने से पहले यानी आज रात 12 बजे तुम सबको एक साथ पैक कर देते। ऊपर बेगुनाहों के खून से क्यों हाथ रंग रहा है, क्यों पाप ही पाप से अपनी झोली भर रहा है, बड़ी जिंदगी जीना चाहता है ना, तो फिर ये छोटे और नीच काम क्यों करता है? बकवास बंद कर बुड्ढे, मौत के मुंह में खड़ा है और उपदेश देता है। मौत के मुंह में मैं नहीं तू खड़ा है मेरे बेटे, सबके सब एक ही चिता में आज जला दिए जाओगे। हम में से हर मरता हुआ शहीद हजारों को पैदा कर जाएगा। लगा दो मसाला और तैयार कर दो शमशान की दिवाली। Ha ha ha!
मान नहीं सकता कि तुझे ये सब नजर नहीं आ रहा। तू तो दिल की गहराइयों में भी झांक कर देख लेता है, तो फिर तुझे ये बाहर का मंजर नजर नहीं आ रहा। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं रहता रंजन। ठीक है रंजन, आप ठीक कह रहे होंगे, मगर मैं नहीं मानता। राम खड़े हो जाओ, एक राउंड इसमें अभी बाकी है, काफी होगा तुम सबके लिए। विशाल, आज 12 जून है ना, फैसले का दिन, तो फैसला आज ही होगा। Thank you.
उन देशद्रोहियों के काले कारनामों के सारे सबूत हैं। आप खुद पढ़ लीजिए, पढ़िए। बाबू को मैंने मारा, मैंने मारा है रंजन को। ये लाश मेरे भाई की नहीं, ये मेरी बुराई की है। भाइयों, आज से ये कंपनी मैं आप लोगों को दे रही हूं, मुझे माफी नहीं चाहिए। सिर्फ मैं आप लोगों से ये विनती करती हूं कि जब मैं सजा भुगत कर आऊं आप लोगों के साथ मुझे मजदूरी करने का मौका दिया जाए। अरे भगत पड़े हैं जाप के पीछे, जाप के पीछे पुण्य पड़ा, पुण्य के पीछे पाप लगा है, पापी पड़े हैं पाप के पीछे, कौन है देखो के पीछे, पाप के पीछे मजहब लगे हैं, मजहब के पीछे पड़ी है नफरत, नफरत पीछे फूट पड़ी है, फूट के पीछे कौम लगी, और गरीबी कौम के पीछे, और गरीबी कौम के पीछे, मिल के चलोगे मिले आजादी, अरे मिल के चलोगे भूख मिटेगी, मिल के चलोगे सबका भला है, आओ एक झंडे